नासिर जी क्या कहेंगे, आज आपने यहाँ पर शुरमुटु में मीटिंग की, आजकल आपको पता है इलेक्शन भी चल रहा है, तो क्या सियासी मीटिंग थी या कुछ और मीटिंग थी? देखिए, सबसे पहले खलीक भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ में ये क्लियर करना चाहूँगा आपके सवाल का जवाब। आज हकीकत में सियासी पॉलिटिकल पार्टीज की गहमा गहमी है, लेकिन ये किसी भी पार्टी से मुंसलिक कोई भी मीटिंग नहीं थी। ये क्लियर जवाब है इसका। हमने ये इनिशिएटिव इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है ब्यूरोक्रेसी चलती है, डिक्टेटरशिप चलती है, हमारे इलाके का कोई नहीं सोचता है। जितने भी MLA जीत के आए, कोई हमारी सुनता नहीं है, इसलिए हमने आज एक इनिशिएटिव लिया है कि हम अपने पैरों पे खड़े होंगे। और इसकी शुरुआत हमने आज यहाँ से की है। 10 से 12 गांव के नौजवान या 15 गांव के नौजवान आज हम यहाँ पे मौजूद थे, और आपके चैनल के माध्यम से मैं बाकी के गाँव के नौजवानों को भी दरख्वास्त करता हूँ कि इस मुहिम के साथ जुड़ें। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि वो कैंपेन जिसके साथ बंदे जुड़ते जाएं वो उतनी ही सक्सेसफुल होती है। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ से शुरू की और हमारी मुहिम है, ये कतन भी हमारी मुहिम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जितने भी गांव के बाकी गांव के लोग चलो हैं, जिंदाबाद। जितने भी बाकी गांव के लोग हैं, वो हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ ताउन करें, ताकि हम अपने इलाके की फलाह व बहबूदगी के लिए काम करें। इसमें कोई एक मखसूस काम नहीं होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट देखी जाएगी, चाहे वो डिपार्टमेंट्स के काम हों या अदर हमारे जो समाजी मसाइल होते हैं या वो हों, ख्वा कोई भी काम हो, हम मिलजुल के काम करेंगे। और एक बार फिर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से फिर कहना चाहूंगा कि बाकी भी जो दूर दराज गांव है, हमारे ढल्ला है, दोकी है, बाकी बाकी गांव हैं, हम इंशाल्लाह इनके साथ भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हमारा काम है इसको रिकॉग्नाइज करना, और बाद में हम एक एक गांव जाएंगे, एक एक डोर जाएंगे और इस मुहिम को आगे लेके चलेंगे, और खुद के पैरों पे खड़े होकर खुद अपने इलाके की जिम्मेवारी समझकर इस इलाके की डेवलपमेंट करवाएंगे। हमारी आवाज, हमारी आवाज।